आपको किसने मारा पीटा जो आपकी चोट आई है? अंसार के गुंडों आए थे। वो कहाँ के निवासी हैं? पता नहीं बेटा, रात को आए, हमें पता नहीं था। तो बैठे हुए थे, उसने किया, पता नहीं किया कि मार दी, फिर हम गिर गए। क्यों ऐसे मारपीट की है? मकान अंसार ने खरीदा है, गुंडे बुलाए के खाली करवा रहा है, इज्जत पे हमला कर रहा है। क्यों ऐसा क्या कर रहा? आपका मकान नहीं है क्या? नहीं, किराएदार थे। अच्छा, तो आपको क्यों मारा है? हम क्या पता हुआ था, हम तो आए हुए थे, पता नहीं किस लिए उसने हमारे ऊपर हमला किया है। अच्छा, पुलिस पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए आप लोग? गए तो थे, पुलिस गए थे। पुलिस ने क्या कहा? हमारे कुछ भी नहीं कहा बेटा, आपको पुलिस बैठी गई। कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग थे वो? आते कम से कम 10-15 लोग रात को, अच्छा तो कम से कम 15-25-30 लोग थे। अच्छा, अंसार भी साथ में था। अच्छा, उसने सब कुछ कराया है। क्यों? अच्छा, जैसे आप थाने पे गई तो थाने पे क्या कहा आप लोगों से? अच्छा अच्छा क्या नाम है आपका? कौन आए थे यहाँ पे? अंसार के गुंडे आए थे यहाँ पे, अंसार भी आए थे। क्या हुआ फिर? फिर सबको मार तोड़ के सबको बाहर निकाल दिया। क्यों? कह रहे मकान खाली करो। अच्छा, मकान में नहीं रहने देंगे हम। इस तरीके से आपने हमारा कोर्ट में मुकदमा चल गया, फिर भी मारने के लिए वो तैयार नहीं है। तो आपने प्रशासन के पास नहीं गए, थाने गए आप? थाने गए थे, वो मिले नहीं। कल संडे था, कोई मिला नहीं था। अच्छा, क्या कहा थाने पर? था ही नहीं कोई, बस पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो कह रहे अभी है ही नहीं है। अच्छा, तो पुलिस आई नहीं आपके यहाँ पे? आई थी, फिर शाम को आई है रात को। अच्छा, वो गुंडे हैं ज़्यादा बड़े, माफिया हैं जो यहाँ पर आपके घर पर आए चढ़ के मारने? ज्यादा बड़े होंगे जब ही तो आए हैं मारने के लिए। कोई ऐसा कारण होगा जिसलिए मकान खाली करा रहे? क्या कारण है ऐसा? यही कारण है कि जैसे मतलब मकान खाली कर दीजिए आप, कैसे भी करो। क्यों, उनसे पूछा नहीं आपने? रहने नहीं देंगे हम आपको। अच्छा, कितने लोग आए थे? करीब थे 8-10 लोग। आपके घर पे कितने लोग थे? कहते थे 10 हो या 12 हो या 8 हो, कैसे ही है। आप कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। तीनों लोगों को मारा? तीनों लोगों को मारा। आपको? हमारी सिस्टर को मारा, हमारी माँ को मारा। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई जी? हमारा नाम है आजाद दुष्यंत जाटव, मैं भीम आर्मी से आगरा मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आपको मैनपुरी में कैसे आना होगा फिर? मैं यहाँ मैनपुरी का ही निवासी हूँ, लेकिन मैनपुरी में आए दिन गुंडागर्दी, भू माफिया, आए दिन गरीब मजलूमों, दलित, पिछड़े, अन्य वर्गों के साथ शोषण कर रहे हैं और आए दिन उनकी ज़मीनें कब्जाई जा रही है, उनके साथ मारतोड़ और गुंडागर्दी की जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमको एक सूचना मिली, हमारा संगठन, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय मनीष राणा जी और हमारे मंडल प्रचारक भाई नौसाद, हम लोगों को सूचना मिलते ही हम लोग तुरंत यहाँ पर आए अपनी टीम के साथ। और जैसा कि ये बीच मार्केट की बात है, एक मार्केट आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी कितना दबा हुआ है, बीच मार्केट में दिन दहाड़े गेट तोड़ कर घर में घुसा जाता है और बहनों को, बेटियों को सताया जाता है, उनको मारा जाता है। ये देखिए, एक बुजुर्ग के साथ ये इस तरीके का अत्याचार किया जाता है और वो भी दिन दहाड़े, वो भी शासन में, आप समझ सकते हैं। तो जहाँ तक है भीम आर्मी को ये बात पता चली, भीम आर्मी हमारा डंडा भी मजबूत है, झंडा भी मजबूत है और हम उनकी सहायता हर तरीके से करेंगे और हर तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। अभी तक कोई माफियाओं के नाम FIR हुई या नहीं? जी हाँ, जैसे कि हमें सूचना मिली है, कोई अंसारी करके हैं, उनका ही जो दल था, माफिया दल था, वही उसी ने आकर इनके ऊपर ये सब किया है दिन दहाड़े, और वो साथ में भी आए। और ये घटना इनके साथ एक बार पहले भी हो चुकी है और उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन, 2-3 घंटे के बाद फिर हुआ, उसके बाद भी इनका यहाँ का प्रशासन इनकी एप्लीकेशन नहीं ले रहा था, लेकिन वो थोड़ा बहुत डरा धमका के जैसे तैसे, भीम आर्मी का आपको पता है डर कितना बड़ा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इनकी एप्लीकेशन ली है और हम लोग प्रयास। क्या आश्वासन दिया इनको? आश्वासन ये दिया गया है, इनकी एप्लीकेशन लिखी है, इनको जल्द से जल्द इनको इनकी मदद की जाएगी और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं।
अगर कोई कार्रवाई में ढिलाई पड़ती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा कार्रवाई में कोई ढिलाई पड़ती है तो भीम आर्मी अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि अपनी बहनों की, बेटियों की, माताओं की रक्षा ना कर सके। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उस चमड़े का जूता बनाना भी जानते हैं, बक पड़ने पे उस जूते को सिर पे मारना भी जानते हैं। धन्यवाद। जय संविधान।